सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राज शर्मा ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप अच्छे ही रहें, ये मैं भोले बाबा से प्रे करता हूँ गाइस। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कि आज मुझे अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है, ठीक है। मेरा बचपन का दोस्त है और मुझसे काफ़ी टाइम से उसका वेट कर रहा था, तो उसने अचानक से मुझे बोला था कि वो आ जाएगा, तो हम चल रहे हैं उससे मिलने के लिए और आपको मिलवाता हूँ उससे, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, जिसका हमें बरसों से इंतजार था, काफी टाइम से इसका इंतजार था, वो आ चुका है। हेलो कर दे। हेलो गाइस। क्या बात है, ये ना मैंने आपको बहुत बार बताया था, मैंने बताया नहीं आपको, तो ये मेरा बचपन का क्यूट सा प्यारा सा मासूम सा फ्रेंड है मेरा। तो फ्रेंड्स, ये हम दोनों ना साथ बैठा करते थे, तो आज साथ घूम रहे हैं। ये अभी दिल्ली रहता है, काफ़ी टाइम बाद हम मिले हैं, आगे हम देखते हैं कि क्या करते हैं, ठीक है। आप हमारे साथ ही रहना। जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे वो सब आ चुके हैं। आकाश से मैंने आपको पहले मिला दिया, ये हमारे अंकल जी हैं। हेलो कर दो अंकल। हेलो। क्या बात है, ये आंटी है। आंटी हेलो कर दो। आप हेलो कर दो। दीदी, ये हमारी दीदी है, हमारे भाई साहब हैं, ये हमारे बिल्कुल अच्छे वाले हैं, गुड वाले हैं। अभी आकाश गाड़ी खड़ी करवा रहा है अंदर। तुम काफ़ी टाइम से इनका वेट कर रहे थे कि कब आएंगे कब आएंगे, तो सब घर में आ चुके हैं अंदर। खाने की तो गुंजाइश ही नहीं रही थी, तो यहाँ पे सब जाने की तैयारी कर रहे हैं। आओ कभी दिल्ली आ जाओ। जब जाने की तैयारी कर रहे हैं, नहीं माने बाय कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, पाँच महीने हो गए, ज़्यादा हो गए शायद। हाँ जी, नहीं नहीं साथ में। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अंकल के फ्रेंड के घर और ये सामने बैठे हैं और पूरी फैमिली यहाँ पे बैठी है, सब बहुत अच्छे से मस्ती कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। आपको सबसे मिलवाता हूँ वन बाई वन, यहीं से स्टार्ट करते हैं। दोनों बचपन की जोड़ी है, धर्मवीर की तरह। और ये आप भाई साहब हमें पहले मिल चुके हैं, ये दादी जी हैं, ये दादी जी हैं। अभी यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। अभी अंकल कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आप? भाजपा के बारे में। क्या बात है अंकल, तो आपको ऐसा क्यों लगता है वैसे भाजपा? सबका साथ सबका विकास। अच्छा, भाजपा ही कर सकती है सिर्फ? क्या बात है, सबका साथ केवल मोदी। आप क्या कह रहे थे अंकल? अच्छा। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे सब मस्ती करने आए हैं खेत पे, और ये देखिए ये ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की जाएगी अभी। फुल एंजॉयमेंट। ये भाई साहब ट्रैक्टर चलाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं पहली बार, तो सफलतापूर्वक ड्राइव सक्सेस हो गई है। आखिरकार यात्रा सफलतापूर्वक हो चुकी है, तो बड़ी अच्छी रही इनकी यात्रा। तो कैसा लगा आपको ये यात्रा करके? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया। क्या बात है। सो फ्रेंड्स, ये आप जो तार देख रहे हैं, ये तार इसलिए लगाए जाते हैं ताकि यहाँ पे कोई जानवर वगैरह ना घुसे, और ये काफ़ी नुकीले टाइप के होते हैं, यानी कि जो भी इससे टच करेगा उसको ब्लड 100% निकलने वाला है, निकल जाता है, तो इससे सब दूर दूर रहते हैं। सो गाइस, अभी ट्वेल के पास जाया जा रहा है सब, वो पानी में मस्ती करने के लिए। वैसे ठंड काफ़ी हो रही है। आप चार भाई बाहर
तो ये नोटी हरकतें करते हुए नाना नाना नाने ये खेतों की सुंदरता होती है कि आपको यहाँ पे आके बड़ा पीसफुल महसूस होता है। एक भाई साहब जी क्या कह रहे थे आप? मैं बोल रहा था आप खेतों के मजे लीजिए, एंजॉय करिए यहाँ पे इतना। तो आपको आपको आप देख सकते हैं, आप उस तरफ कैमरा कर सकते हैं। भाइयों देखिए ये इस तरफ बहुत ही प्यारा व्यू है, यहाँ पे आके आप एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको मतलब अच्छा काफी की डिटेल मैं चाहता हूँ आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में डालिए ताकि लोग यहाँ पे जरूर विजिट करें। शर्ट भी रखी हुई है। क्या क्या रखा है? स्पेशल शर्ट। ओके शर्ट देखिए, ये देखिए शर्ट। आप इसको लेना चाहेंगे? आप इसको नहीं, ये उनके लिए जो पानी में गिर जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसा लगा मेरा मजाक? सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे सरसों का मजा लिया जाएगा या सरसों में इंजॉय किया जाएगा पिक के साथ। अंकल अच्छे से बता रहे हैं ये क्या हुआ। ये देखिए अभी कुछ पता नहीं कुछ बोल गए तो कुछ समझ में आया कुछ नहीं कुछ नहीं। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दूर दूर तक सरसों ही बो रखी है, इधर गन्ने हैं पर काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी एंजॉय किया जा रहा है तो काफ़ी मस्ती हो भी हो रही है। हमने यहाँ पे कुछ पिक भी क्लिक किए हैं जो काफ़ी अच्छी। अंकल एरिया बता रहे हैं कि यहाँ से अच्छी पिक आएगी, कोशिश करते हैं कि आपको वो पिक भी दिखाएं जो काफ़ी अच्छी आ रही है। अभी देखिए फोटोग्राफी की जा रही है। सोकाश मजा आ रहा है। सो फ्रेंड्स अभी गन्ने लेके आ रहे हैं हमारे लिए। ये देखिए काफ़ी सारे गन्ने आ गए तो हमारे आकाश भैया को काफ़ी पसंद है। क्यों आकाश भैया? क्या बात है, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। सो फ्रेंड्स गन्ने के साथ ना मैं आपको प्योर हल्दी दिखाता हूँ। सो गाइस ये हल्दी है और अंकल ने हल्दी के बारे में आपको बताया भी था। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पे हमने और आकाश ने गन्ना खाया, मैंने गन्ना खाया और अभी ये तो खाने लग रहा है। तो अंकल जी ने अभी हल्दी ले ली, काफ़ी सारी जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले हल्दी के बारे में, वो अच्छे से कुछ हमें अंकल ने भी बताया था हल्दी के बारे में। अब देखिए दोनों अंकल बाइक पर जाएंगे धर्मवीर की तरह। अब देख पीछे सब ट्रैक्टर पे सब बैठ चुके हैं वापस जाने के लिए। ठीक है गाइस अभी हम यहाँ से घर जाएंगे और घर जाके आपको वहाँ के व्यूज दिखाते हैं। ठीक है तो फ्रेंड्स अभी हम वहाँ से सीधा भीड़ में आ चुके हैं और अभी यहाँ पे सब चिल्ले को ना भोजन करा रहे हैं। आकाश भी बड़ा प्यार कर रहा था अभी उनको और एक तो बड़ा मस्ती कर रहा था, उसके पैरों में लोटपोट हो गया जैसे कि इसको बरसों से जानता है कई पिछले जन्म के रिश्तेदार हैं। अब देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। ये देखिए तो इनके लिए एक सेज बिक चुकी है, इनके लिए डबल बेड है ये और ये भोजन डाला जा रहा है इनको, रोटियां हैं कुछ डाइनिंग टेबल हो गई क्या आंटी? देखा अंकल कैसा है आप अपने फ्रेंड के साथ मस्ती में? हाँ मस्ती पूरी मस्ती आ रही है गांव की, मज़ा आ रहा है। मतलब मैंने पूछा था जो आपके फ्रेंड है वो साथ में लगा हुआ है धर्मवीर वाला? हाँ नहीं लगा। देखो आपको दिखाता हूँ, उन्होंने ना अभी वापस इससे आए थे बुलेट से, ऐसे जैसे कभी बचपन में ऐसे कंधे पे हाथ रख के चलते थे ना,
ऐसे जैसे अभी मैं खड़े हैं ना ऐसे, तो ये सब ऐसे ही आए थे। सो फ्रेंड्स, जो दो बचपन के दोस्त कितने टाइम बाद मिलते हैं और ऐसे चलते हैं एक उम्र में आने के बाद, तो कैसा फील आता है? अच्छा लगता है ना, इतनी दूर तक मस्ती करते हैं, दिल से खुशी होती है। देखो ये आ गया वापस, ये इसी के दोस्त बनना तो इसको जानता है। वाली फ्रेंड से कैसे जा रहे हैं दोनों धर्मवीर के जैसे नहीं। सो फ्रेंड्स, अभी हमें ऐसे निकलना होगा, तो सब यहाँ पे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं आप देखिए, ठीक है? तो अभी हम ऐसे चलते हैं, चले आकाश बाय कर लो, तो वहाँ पे जाके मिलेंगे सब। जाइए ध्यान से भाई। जी बिल्कुल अंकल। सो फ्रेंड्स, मैं वहाँ से आ गया था अपने गाँव में, वो सब वहीं पे ही रुक गए थे और मुझे यहाँ पे अपने गांव में आना था अपने बाबा जी के पास। हमने वहाँ पे बहुत मस्ती की, बहुत ज़्यादा। वो मेरा का बचपन का दोस्त है एकदम, बस क्या बताऊँ उसके बारे में, बोलने के लिए वर्ड कम रह जाते हैं। आशा करता हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा, ये मस्ती ये प्यार आपको अच्छा लगा होगा। तो अब से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग युवराज शर्मा व्लॉग्स।